मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा आठवीं विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ पांच। और पाठ का क्या नाम है? हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य। तो बच्चों, आप ये पूरा पाठ पढ़ लेना घर पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। मैं पूरा पाठ पढ़कर आपको बता नहीं सकूंगी, ये पाठ बहुत बड़ा है और इसको आपको घर पे ही पढ़ना पड़ेगा। दो या तीन बार पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसके कुछ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी पूरे पाठ में जो चीज बताई गई है उसके बारे में आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो आप इसको एक बार दो बार अपने घर में पढ़ लेना, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, तो उसके बारे में बता रहे। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ प्रत्येक देशवासी को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता है, यानी अपने धर्म का अपने पालन करना, वो उसको स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म का ही पालन करे। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? पांच है। कौन से? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। ये पांच है राष्ट्रीय लक्ष्य। इसमें राष्ट्रीय एकीकरण है। लोकतंत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जन प्रतियोगी प्रतिनिधारी द्वारा लिए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। मतदाता का देशभक्ति और निस्वार्थ भावना का परिचालक है। समाज तीन प्रकार से बनता है, समानता तीन प्रकार की होती है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। इसको आप जब किताब पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा विवरण मिल जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार है। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है और परीक्षा में हर बार आपको पूछा जाता है कि अपने मौलिक 6 मौलिक अधिकारों के बारे में लिखिए कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपने 6 अधिकार है। तो मानव के प्रकृति से प्राप्त उन अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं जो उनको दिए गए हैं, जिनका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वगुण विकास करता है, दिशा में आगे बढ़ता है। किस बारे में? जो वो सोचता है उसके बारे में। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? आपको जनवरी 1992 में किया गया था। तो 6 जनवरी 1992 में किया गया। ये क्या है? मानव अधिकार। तो बच्चों, आज में अपन इस पाठ का पूरा विवरण मैंने बता दिया है कि इस पाठ में क्या क्या है। आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में किताब में बता दिया जाएगा, इसका थोड़ा शॉर्टकट में भी इसका विवरण इसमें बताया गया है, उसको आपको पढ़ना है, जिससे ये पेज नंबर आपका 47 पर मिल जाएगा 6 मौलिक अधिकारों के बारे में, और उसका आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, आज का अपन ने इस वीडियो में इसके बारे में जाना है, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में। इसमें क्या क्या है? मौलिक अधिकार, तो समानता का अधिकार, किस अपनी आयु होने पर अपन मतदान कर सकते हैं, इसके बारे में जाना है। तो बच्चों, ये सारा पार्ट अपन ने पढ़ने के बाद में इसके प्रश्न उत्तर रहते हैं, तो इसके प्रश्न उत्तर मैं आगे वाले वीडियो में आपको भेज दूंगी। आज के वीडियो में इसका विवरण यही तक है। तो बच्चों, आगे वाले वीडियो में अपन मिलेंगे।